दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों अगर हम ईयू या शेनिगन कंट्री का टूरिस्ट वीजा लेना चाहते हैं तो उससे पहले हमें कौन-कौन सी कंट्रीज में घूमना चाहिए या हमारे पासपोर्ट के ऊपर वीजास लगे होने चाहिए ताकि अगर हम टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करें तो हमें वीजा मिल जाए या चांसेस ज्यादा हो। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो जरूर हमारा जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक के ऊपर, ईयू इमिग्रेशन कंसल्टेंट का, आप जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आपके पास इंस्टाग्राम की ऑप्शन अवेलेबल है। बारकोड आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, अगर आप उसे स्कैन करेंगे तो आप मेरे अकाउंट तक आ जाएंगे। और इसके अलावा फेसबुक मैसेंजर की ऑप्शन भी है दोस्तों, आप लोग मुझे वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि हम लोग ईयू ट्रेवल करना चाहते हैं और खासकर हम लोग पुर्तगाल आना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पुर्तगाल के अंदर आप किसी भी तरह से एंटर हो जाएं, लीगल या इलीगल, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, वीजा है, नहीं है, तो भी आप लोग यहाँ पर बाय लॉ यहाँ के रेजिडेंट बन सकते हैं और 4-5 साल बाद आप यहाँ के सिटीजन भी, यानी रेड पासपोर्ट भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर हम लोग पुर्तगाल आना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कौन-कौन सी। तो दोस्तों एजुकेशन तो यूरोप की बहुत महंगी पड़ती है और नॉर्वे के अंदर फ्री एजुकेशन है, पर उनकी रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी है कि एडमिशंस बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन बचती है बहुत सारे लोगों के पास, वो है टूरिस्ट वीजा की। कि अगर आप लोगों को कोई भी शेनिगन कंट्री, यानी जैसे कि इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इनमें से कोई भी शेनिगन कंट्री जो है अगर आपको टूरिस्ट वीजा दे देती है तो आप लोग वो उस वीजे से आप लोग सीधा पुर्तगाल आ सकते हैं और यहाँ पर आकर के अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आप लोग फाइल सबमिट कर सकते हैं। पर अब दोस्तों सवाल ये है कि भी क्या हमको वीजा मिलता भी है कि नहीं। तो दोस्तों अगर तो आप लोग डायरेक्ट टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो टूरिस्ट वीजा के लिए जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि भी जिस आदमी ने टूरिस्ट वीजा की फाइल सबमिट करी है वो वाकई में टूरिस्ट है या वो वहां जाकर के इलीगल इमिग्रेंट बनना चाहता है। तो दोस्तों अगर तो आप लोगों के पास कम से कम 10-12 लाख से ऊपर की अगर आईटी इनकम टैक्स रिटर्न है, यानी कि आपकी जो महीने की आमदनी है वो लगभग 1 लाख या उससे ज्यादा है, तो आपके टूरिस्ट वीजा के लगने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। पर जिन भाइयों के इतनी इनकम नहीं है तो आपकी कुछ ट्रेवल हिस्ट्री होनी चाहिए है, यानी कि जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास फाइल जाती है तो उसको ये लगना चाहिए है कि वाकई में जिसने वीजा अप्लाई किया है वो वाकई में एक टूरिस्ट ही है और उसे घूमना फिरना अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगर तो आप इस तरह से करते हैं कि हमारा एक दुबई का वीजा लग गया, एक थाईलैंड का वीजा लग गया, एक मलेशिया का लग गया और हम उसके बाद टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर देते हैं ये शेनिगन कंट्री का तो हमें वीजा मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों दुबई, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे जो कंट्रीज हैं ये कोई बहुत बड़ी कंट्रीज नहीं है, यानी कि यहाँ का वीजा लेने के लिए कोई बड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही आराम से और इजीली वीजा मिल जाता है। तो अगर आपके जहन में है कि हम इनमें से किसी कंट्री का वीजा लेकर के टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर देते हैं तो मिल जाएगा, तो मेरा ख्याल से ये पॉसिबल नहीं होगा।
अगर तो आपके स्टिकर आपके पासपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी कनाडा, अमेरिका या यूके का वीजा स्टैम्प हुआ था किसी टाइम के ऊपर, वो अभी भी स्टैम्प आपके साथ है, तो वीजा मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि तब इमिग्रेशन ऑफिसर ये सोचेगा कि भाई अगर इसने इलीगली होना होता तो इसके पास चांस था, ये तब हो जाता, यानी कि वो बंदा बाहर इलीगल नहीं होगा, एज ए टूरिस्ट ही जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इन कंट्रीज के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि साल में कम से कम दो ट्रिप्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री के लगाएं, यानी कि जैसे आप साल में दो बार दुबई जा करके आए हैं और या एक आधी बार आप थाईलैंड गए हैं, यानी कि 2 3 4 साल के अंदर आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जनरेट करनी है अलग अलग कंट्रीज की, जिससे ये पता लगे इमिग्रेशन ऑफिसर को कि हाँ ये बंदा वाकई में घूमता है। अगर आपने 6 महीने के अंदर 4 कंट्रीज घूम ली हैं और वो 4 कंट्रीज इन्हीं छोटी मोटी कंट्रियों में से हैं, और आप बाद में कहें कि अब मैं फटाफट से ईयू का वीजा अप्लाई कर दूं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसको साफ इंडिकेशन मिल जाएगी कि सिर्फ इसने ईयू का वीजा लेने के लिए ये सब फटाफट कंट्रीज में घूमा है, क्योंकि उसके पहले कोई वीजा नहीं था, उसके आगे कोई वीजा नहीं मिलेगा, तो सिर्फ वीजा लेने के लिए इस बंदे ने इस तरह की एक हिस्ट्री बनाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों जब भी आप लोग प्लान करें, अगर तो आप लोग टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं और सक्सेसफुल हो, तो कम से कम 3 4 साल का आप टाइम लें और उसके अंदर आप ट्रैवल हिस्ट्री जनरेट करें कि साल के ये जो पर्टिकुलर दिन होते हैं इसके अंदर ये जो बंदा है वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करता है, और ये 2 3 साल के अंदर काफी जगह घूम करके आया और ये भी शायद यूरोप में घूमना चाहता है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वीजा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आपको वीजा मिलेगा या मिलेगा, पर हाँ अगर उनको लगे कि हाँ भी ये बंदा घूमने फिरने का शौकीन है और ये काफी घूमता फिरता रहता है, तो चलो हम इसको जो है वो टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर देते हैं और आपको टूरिस्ट वीजा मिल जाएगा। तो जब भी दोस्तों आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करें तो ये जरूर ख्याल रखें कि एक तो आपने जो इनकम शो करनी है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, कि अगर आपने 1 महीने के लिए अप्लाई किया है तो उस हिसाब से आपके पास फंड्स जो हैं वो होने चाहिए हैं, यानी कि अमूमन 1 दिन का 100 यूरो खर्चा आपने जो है शो करना है। अगर आपने 30 दिन के लिए अप्लाई करना है तो उस हिसाब से 3,000 यूरो प्लस आपके पास लिक्विड कैश होना चाहिए, यानी कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए। तो यही एक तरीका है दोस्तों जिससे हम ट्राई कर सकते हैं और सक्सेस भी शायद हमको मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर के जरिए मुझ तक पहुंच सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।